मेले व त्योहार आपसी भाईचारे व सौहार्द का प्रतीक हैं और इनके माध्यम से ही आपस में प्रेम भाव पैदा होता है। शायर उत्सव प्रदेश में शरद ऋतु के आगमन और फसल तैयारी का प्रतीक है, जो लोगों के लिए खास महत्व रखता है। ये बात सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने अर्की में 2 दिवसीय जिला स्तरीय शायर उत्सव के शुभारम्भ मौके पर कही। पौराणिक व पारंपरिक संस्कृति के संरक्षण के लिए सभी को आगे आने की आवश्यकता है। ये बात सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने अर्की में 2 दिवसीय जिला स्तरीय शायर उत्सव के शुभारंभ अवसर पर कही। सैजल ने कहा कि मेले व त्योहार आपसी भाईचारे व सौहार्द का प्रतीक है और इनके माध्यम से ही आपस में प्रेम भाव पैदा होता है। उन्होंने कहा कि शायर उत्सव प्रदेश में शरद ऋतु के आगमन और फसल तैयारी का प्रतीक है, जो लोगों के लिए खास महत्व रखता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के मेलों और उत्सवों का संरक्षण करना भी सभी की नैतिक जिम्मेवारी है। देश में मेलों की परंपरा बहुत प्राचीन है, पुरातन है और हिमाचल प्रदेश में भी इस प्राचीन पुरातन परंपरा का निर्वहन होता है और बड़े गर्व की बात है कि हमारे जिला सोलन में अर्की का जो ये शायर फेयर है, ये बहुत प्राचीन मेला है और राजाओं के समय से जो है निर्बाध रूप से आज तक इस परंपरा का निर्वहन जो है वो हो रहा है। बहुत श्रद्धा है लोगों की इस उत्सव के प्रति। नई फसलें जो हैं उनका भी पूजन होता है और उनका भी समर्पण जो है वो होता है। पूरे क्षेत्र के लिए ये मेला जो है बहुत आकर्षण का केंद्र है, हमारे स्थानीय लोगों के लिए, हमारे गाँव के लोगों के लिए, जो काम से थोड़ा क्षण निकाल करके और मेले का आनंद लेते हैं, अपनी प्राचीन परंपराओं को याद करते हैं, उन देव शक्तियों को याद करते हैं, उनके प्रति अपना श्रद्धा व्यक्त करते हैं, जिन देव शक्तियों का भी जो है हम ऐसा मानते हैं कि उनका भी जो है समावेश जो है या उनका भी जो है हम कह सकते हैं कि प्रेजेंस सूक्ष्म रूप से जो है वो इन मेलों के अंदर जो है। उत्सव के दौरान पोषण अभियान, जहर मुक्त प्राकृतिक खेती व केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को दर्शाती प्रदर्शनी भी लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। पहली सांस्कृतिक संध्या में मुख्य कलाकार सारेगामापा फेम पायल ठाकुर, संजीव दीक्षित व योगेश मुकुल के नाम रही। पहली सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ पूर्व विधायक गोविंद राम शर्मा व भाजपा प्रदेश सचिव रतन सिंह पॉल ने किया। सिटी चैनल के लिए अर्की से राकेश कुमार की रिपोर्ट।